मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे अबाउट डिस्कस क्लास फोर्थ ईबीएस। टुडे डिस्कस चैप्टर 16 क्लीन एंड सेफ वाटर। कि क्लीन एंड सेफ वाटर होती क्या है? स्वच्छ और सुरक्षित पानी। प्रीवियस चैप्टर देन चैप्टर 15 वाटर ए नेसेसिटी क्लासेस इन सोर्स ऑफ वाटर रेन अंडरग्राउंड वाटर सरफेस वाटर पॉन्ड्स रेनफॉल रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स ओशियंस सी एंड द वाटर ऑफ साइकल्स इरोप्रेक्शंस होती क्या हैं, इनके बारे में भी मैं अध्ययन करवाया। एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 के माध्यम से भी इरोप्रेक्शंस के रूप में मैंने चर्चा किया। एंड कॉन्डेंसेंस क्या होती हैं, संघनन और संप्रेषण क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैंने चर्चा किया अध्ययन किया। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 जो है क्लीन एंड सेफ वाटर जो होती हैं, स्वच्छ और सुरक्षित पानी क्या होती हैं। नाउ स्टार्ट। देखिएगा जब भी बुक्स ओपन कीजिएगा, वीडियोस देखते समय पैराग्राफ्स को देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस पैराग्राफ्स को चैप्टर को बताने की कोशिश करूंगा। आई लर्न इन स्कूल दैट वाटर फ्रॉम द नेचुरल सोर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंक्स डायरेक्टली एज इट द कैन नॉट इम्प्योरिटीज। जो नेचुरल सोर्स वाटर होते हैं, मैंने स्कूल में सीखा कि जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं, प्राकृतिक स्रोत के पानी को जो होते हैं पानी होते हैं, वो डायरेक्टली हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, इम्पुरिट्स जो होती हैं अशुद्धियाँ होती हैं, उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू नो हाउ वाटर बिकेम्स डर्टी एंड हाउ वी कैन मेक दिस द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। मैंने जानना चाहा कि जो पानी होती हैं कैसे गंदा हो जाती हैं, गंदे कैसे हो जाती हैं, द टी कैसे गंदा हो जाती हैं, एंड हाउ वी कैन मेक दिस द वाटर फिट फॉर द ड्रिंकिंग। हम इस पानी को पीने लायक कैसे बना सकते हैं, ये एक बच्ची कह रही है। मैंने बताया कि जो स्कूल्स में होते हैं, हमने सीखा जो प्राकृतिक सोर्स वाटर होते हैं उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, ये गंदे कैसे होती हैं मैंने जानना चाहा, और जो पीने के लायक पानी होते हैं वो कैसे गंदे पानी होते हैं उसे पीने लायक कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। फर्स्ट पैराग्राफ्स की बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ्स हम देखिएगा, कुछ वाइल्ड्स के बारे में बताया गया है, वाटर्स के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं कुछ इमेज के माध्यम से कुछ बताए गए हैं कि यहाँ पर जो हंसराज होते हैं, सारस होते हैं, राजहंस होते हैं, ये कैसे एक सील के रूप में लैक्स के रूप में खड़े हुए हैं पानी के किनारे में, वाटर्स के किनारे में। वाटर बॉयल्स लाइक इन द लैक्स ओशियंस सी आर होम टू ए नेचुरल ऑफ एनिमल्स लाइक इन द शार्क्स स्टारफिश सी हॉर्स एंड कॉरल फिश कॉरल रिप्स। की जो तालाबें होती हैं, जैसे झीलें होती हैं, महासागर होती हैं, ओशियंस जो होते हैं महासागर होते हैं, सी समुद्र होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं शार्क स्टारफिश जो होते हैं तारा मछली होते हैं, सी हॉर्स होते हैं एंड कॉरल रिप्स जो होती हैं जो प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, ये जो होती हैं पानी में, पानी इनकी क्या होती हैं घर होती हैं, कई जानवर से जो होते हैं जो कि पानी इनके घर होते हैं। मनी बर्ड्स लाइक इन द डक्स कई प्रकार के जो चिड़ियाँ होते हैं, जो बतख होती हैं, फ्लैमिंग्स गोस एंड स्टॉक्स लिव इन द नियर वाटर। राजहंस और सारस जो होती हैं उनकी पानी के किनारे क्या होती हैं वो लोग निवास करते हैं। रिप्टाइल्स लाइक इन द क्रोकोडाइल्स एंड द टर्टल लिव एंड बोथ एंड लैंड एंड वाटर बोथ एंड लैंड वाटर्स की बात की गई है, जो कि
एक मगरमच्छ होते हैं, टर्टल जो कछुआ होते हैं, वह एक सरीसृप जानवर होते हैं जो कि वो पेट के बल बूते चलते हैं, सरीसृप जानवर होते हैं। वह लैंड जमीनों पर रहते भी हैं और पानी पे भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। लॉट्स ऑफ एक्वेटिक्स प्लांट्स लाइक इन द लोटस एंड हाइड्रिला ग्रोथ इन वाटर। जो लोटस होते हैं, लोटस जैसे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वह लोटस और हाइड्रिला क्या करते हैं, पानी में ग्रोथ करते हैं, पानी में बढ़ते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रंस एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इट। यहाँ पर बात की गई है कि चूँकि न्यूट्रंस होते हैं एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम इट, वे पोषक तत्वों के साथ साथ में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो पानी में जो हाइड्रिला होते हैं, लोटस होते हैं, सार्क होते हैं, स्टारफिश होते हैं एंड सी हॉर्स होते हैं, कुछ डक्स होते हैं, राजहंस होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी में न्यूट्रंस के साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं, जो पानी के जानवर होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ राजहंस दिए हुए हैं जो कि पानी के किनारे में अपने निवास कर रहे हैं। अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होती हैं, जल प्रदूषण क्या होती हैं। वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन इन द ड्रिंक्स ऑफ वाटर बॉडीज विथ अनवांटेड थिंग्स। जल प्रदूषण एक अवांछित बॉडीज, जल प्रदूषण एक अवांछित के साथ साथ में वह क्या करती हैं, जल प्रदूषण को गंदे करती हैं, गंदा करती हैं। इट इज़ द इंक्रीज डे बाई डे ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इन द राइजिंग पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देख सकते हैं यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, जल प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण क्या होती हैं, इंक्रीजिंग के कारण दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, फैक्ट्रीज राइजिंग एंड द फ्रॉम क्वांटिटीज इन लाइफ, लोगों की ज़िंदगी क्या होती है, कम होती है। मनी वाटर, कई प्रकार के वाटर जो होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पेसी ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। कई ऐसे वाटर्स होते हैं जो कि जानवर और प्लांट्स अशुद्धियों के कारण क्या होती हैं, मर जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन के कारण, जल प्रदूषण के कारण कई जानवर होते हैं, कई प्लांट्स पौधे होते हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन के कारण ही मर जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या होती हैं, मैंने बताया जो जल प्रदूषण होते हैं, है ना। अब बात करते हैं वाटर बॉडीज गेट इन द पॉल्यूशन ड्यू टू द मनी रीजंस। कुछ कारण्स के बारे में बात की गई है कि जो वाटर पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन जो होते हैं उन्हें कुछ उनके कारण्स होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के फैलने के कुछ कारण्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, बैथिंग एनिमल्स इन वाटर्स की जानवरों को पानी में धोया जाता है, उनके नहलाया जाता है। एंड बैथिंग्स यूरिन्स एंड डिफेंसिंग्स नियर इन द वाटर ऑफ द बॉडीज, जो कि यूरिन्स पेशाब किया जाता है एंड शौच किए जाते हैं उनके वाटर्स की बॉडीज जो होते हैं उनके पास में बताया गया है। थ्रोइंग डेट इन द एनिमल्स इन वाटर्स, जो जानवर्स मरे रहते हैं उन्हें भी फेंक दिया जाता है पानी में, तो इससे भी क्या होती हैं, इनकी रीजंस हैं, इनके कारण से जल प्रदूषण के कारण से यह चीज़ बताया गया है। एन एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स नियर इन द वाटर बॉडीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं कुछ पानी के किनारे में, पानी के पास में क्या होती हैं, इन्हें एक्सक्यूज किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट बताया गया है कि रिलीजिंग केमिकल्स एंड अदर फैक्ट्रीज वाटर इन वेस्टेड इन वाटर्स, कुछ रिलीजिंग्स किया जाते हैं, केमिकल जो होती हैं, रसायन जो होती हैं फैक्ट्रीज के घरों में भी, और उन्हें पानी के किनारे पे छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बोला जा रहा है कुछ रसायन को, कुछ केमिकल्स को। सिक्स पॉइंट बताए गए हैं कि वाइल्ड स्लिप फ्रॉम ऑफ द टैंक्स दैट द थ्रेड्स पॉलिटिक्स इन द लाइफ, जो
तेल के टैंकों से निकलने वाले अन्य तेल जो अपशिष्ट को अपशिष्ट पदार्थों के कारण क्या होती हैं, वहन करती हैं और उनके क्वांटिटीज़ को बढ़ाती हैं, उनके क्वांटिटीज लाइफ को कम करती हैं। डंपिंग गार्बेज इन टू द रिवर एंड लेक्स, जो कि ऐसे पदार्थ जो कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पदार्थों से बहकर बहकर नदियों और झीलों में फैल जाती हैं, जिससे जल प्रदूषण होते हैं। जल प्रदूषण के बारे में बताया कि क्या होती हैं, उनके कुछ वाटर पॉल्यूशंस के बारे में बताया है ना, क्लीन एंड सेफ वाटर के बारे में समझाने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट पेजेस में देखते हैं, पेज नंबर 94 में देखिएगा, 94 की बात करते हैं। 94 में बताया गया है It is the importance to protect water in the bodies from the pollutions. Various steps can be taken to the reduce water or the pollutions. It is the importance जल निकायों में को प्रदूषण से बचाने के लिए बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Various steps can be taken to the reduce the water pollutions, जो water pollutions होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, उन्हें कुछ स्टेप के माध्यम से कम किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप की बात की गई है बैथिंग यूरिन एंड डिफेंसिंग्स नियर वाटर इन द बॉडी सुल विद द बैंडेड्स, जैसे नहाने के लिए यूरिन पेशाब के रूप में, शौच के रूप में, वाटर्स के किनारे में, पानी के किनारे में क्या किया जाता है, बैंडेड्स किए जाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट बताया गया है कि बैथिंग ऑफ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज एंड सुल्ड नॉट विद आइलॉट्स, है ना, जानवरों को नहाने के लिए, जानवरों को पानी में नहाने के लिए अलाउट नहीं करनी चाहिए, परमिशन नहीं देनी चाहिए। स्वेज एंड अ वाटर पाइप इन द सोल्ड नॉट विन द लैड साइड विद साइड, कि जो सीवेज के जो पाइप होते हैं सीवेज और वाटर पाइप जो होते हैं, नॉट सूल विद द लैड इन द साइड इन साइड, वाटर्स के किनारे में क्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें लेना नहीं चाहिए, उन्हें फैलाना नहीं चाहिए। फैक्ट्रीज एंड द डोमेस्टिक बेसिन सुल्ड बिन द ट्रीट्स बिफोर बिंग द डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज, फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े औद्योगिक होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, डोमेस्टिक जो वेस्टेज होते हैं, रिटेल्स बिफोर बिंग द डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज, जब छुट्टियों में क्या होती है, बिफोर से पहले उन्हें चेक करनी चाहिए फैक्ट्रीज के जो गंदे मलमल्स होते हैं, गंदे जो बाहर से निकलते हैं, उन्हें छुट्टी से पहले उनके चेक करनी चाहिए वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडीज कहाँ जा रही है। फिफ्थ पॉइंट बताया गया कि स्टेप सुल्ड बी द टेकन टू रेड्यूस द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स एंड द केयर सुल्ड बी द टेकन इन द प्रिवेंट ऑयल इन द स्पिल इन द वाटर बॉडीज, जो स्टेप होते हैं फर्टिलाइजर्स के जो होते हैं, उर्वरक क्षमता होती हैं, एंड द फील्ड्स एंड द टैक्स सॉल्ट्स होते हैं, प्रिवेंट्स उससे पहले क्या करनी चाहिए, वाटर जो बॉडीज होती हैं उनके स्लिप को स्टेप के माध्यम से रेड्यूस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, यह चीज़ बताया गया है। साइना तो वांट्स नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि मैंने बताया जो जल निकायों को महत्वपूर्ण है ना, जल निकायों को रोकने के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं, जैसे पानी के किनारे में यूरिन नहीं करनी चाहिए, शौच नहीं करनी चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। जानवरों को नहाने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए, जो सीवेज होते हैं जो पानी निकाय के लिए जाए रहते हैं, गांव में पानी निकाय से जाते हैं, सीवेज के पाइप होते हैं, वाटर्स के पाइप होते हैं, उन्हें तालाबों के किनारे नहीं लेने चाहिए, ये चीज़ बताया गया है।
एंड जो फैक्ट्रीज होते हैं डोमेस्टिक वाटर सेस्ट होते हैं जो कि बेस्ट प्रदूषण निकलते हैं, उन्हें छुट्टी से पहले क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, ये बताया गया है। स्टेप्स विल बी इन द रिड्यूस, जैसे कुछ कारणों से इसे कम किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स को बढ़ने से केयर विल बी द टेकन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वाटर बॉडीज, उन्हें कम भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चा क्या कर रही हैं, वाटर्स में क्या कर रही हैं, कुछ ख़राब चीज़ों को डाल रहा है, तो इससे भी क्या होती हैं, जल प्रदूषण फैलते हैं, है ना। साइना वांट सुनो, साइना कुछ कहना चाहिए, डू यू द एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज इन द वाटर नेबरहुड्स, डू यू द डिट यूर्स ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपीरियंस वाटर इन द शॉर्टेज इन द वेयर यंग्स, इस हिसाब से आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ पोर्टेबल वाटर्स के बारे में बात करेंगे, मैकिंग वाटर सरफेस ऑफ द ड्रिंकिंग वॉलिंग्स, यूजिंग ऑफ फिल्टर्स, एडिटिंग केमिकल्स एंड सेफ हेल्डिंग्स ऑफ वाटर्स, वाटर्स कंजर्वेशंस, मैकिंग स्टडी अच्छे से स्टडी करके आइएगा। इन चैप्टर्स को हम नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में भी बात करेंगे, एक्सरसाइज क्या होती हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे।